बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं दीपक जैन जी, जो कि सदर बाजार विधानसभा चुनाव के आप उम्मीदवार के दौड़ में हैं। दीपक जी, आप जैसे कि अभी सदर बाजार विधानसभा चुनाव के दौड़ में हैं, तो अगर आपका नाम सिलेक्ट हो जाता है तो आपके क्या क्या मुद्दे होने वाले हैं इस बार दिल्ली विधानसभा में? दिल्ली विधानसभा में मुद्दे साफ हैं। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को 2013 में कम सीटें मिली थी और 2015 में 70 में से 67 सीटें इसलिए दी थी कि ये नए हैं, काम करेंगे, जोशीले हैं, सेवा करेंगे, दिल्ली को चमकाएंगे, दिल्ली को स्वर्ग बनाएंगे। लेकिन दिल्ली बद से बदतर हो गई है। इन्होंने 70 में से 67 विधायक इनको देने का कोई लाभ नहीं हुआ। एक इनके अधिकतर विधायकों पर कोई ना कोई चार्ज लग गया, कोई ना कोई किसी ना किसी काम की वजह से जेल में जाना पड़ा। इन्होंने दिल्ली के लिए कुछ भी नहीं करा, जनता के लिए कुछ भी नहीं करा। आप देख लीजिए, जगह जगह ट्रैफिक की दिक्कत है, पोल्यूशन की दिक्कत है, और इन्होंने 6.5 साल तो कुछ करा ही नहीं, और 6 साल में थोड़ी सी रफ्तार पकड़ी। अब 3 महीने में ये सब झूठ बोलने पे लगे हुए हैं। पानी फ्री कर दिया है, बिजली की 200 यूनिट फ्री कर दी है, 400 यूनिट आने पे आधा बिल लगेगा। लेकिन मुझे लगता है ये सब दिखावा है। कारण क्या है कि अगर आप देखें, बिजली के बिल के पीछे लिखा हुआ है कि मार्च तक ये सुविधा उपलब्ध है। अगर आप ये मार्च तक सुविधा उपलब्ध है, अगर दिल्ली की भोली भाली जनता इनके बहकावे में आ जाती है और दोबारा इनको चुन लेती है, तो मार्च के बाद ये कहेंगे कि मोदी जी ने ये स्कीम बंद कर दी है। क्योंकि झूठ की सीमा बड़ी छोटी होती है दोस्तों। 7 साल में इन्होंने कुछ भी नहीं करा। 7 साल में इन्होंने झूठ बोल के जो ये फ्री करी है, बस फ्री करी है, बिजली फ्री करी है, पानी फ्री करने की जो नौटंकी करी है, पानी गंदा आ रहा है, पॉल्यूशन के लिए कुछ करा नहीं है, वो इसलिए झूठ बोला है क्योंकि 3 महीने ये झूठ को चला सकते हैं, सालों साल नहीं चला सकते। तो मार्च के बाद ये सारी स्कीमें बंद कर देंगे। दिल्ली की जनता जागरूक हो चुकी है और इस झूठे केजरीवाल जी से वो बचना चाहती है। केजरीवाल भगाओ, दिल्ली बचाओ, भाजपा लाओ। हमारी केंद्र में सरकार है, MCD में हमारी सरकार है। अगर विधानसभा में हमारी सरकार आती है तो दिल्ली बहुत साफ, सुंदर, स्वच्छ बनेगी, पॉल्यूशन मुक्त बनेगी और हम सब आगे से आगे बढ़ के क्षेत्र के लिए काम करेंगे। दीपक जी, अगर हम देखें तो सदर बाजार क्षेत्र में जो सबसे बड़ी समस्या अभी हमारे सामने आती है वो पार्किंग की आती है, क्योंकि जो सदर बाजार का इलाका है वो बहुत भीड़भाड़ वाला इलाका है। तो ये समस्या पर आप किस प्रकार से काम करेंगे अगर आप चुने जाते हैं तो? मेरे पास इसके लिए प्लानिंग है। पहले यहाँ से 3 बार विधायक राजेश जैन जी रह चुके, उन्होंने कुछ नहीं करा। पार्टी के 2 बार विधायक, उन्होंने भी कुछ नहीं करा। आप देखिए, सदर बाजार जो भारत का, एशिया का सबसे बड़ा बाजार है, यहाँ पर दुकानें हैं, दुकानें के बाहर कारें खड़ी हैं, कारों के बाहर टेम्पू खड़े हुए हैं, तो बड़ी परेशानी उसमें आती है। मेरे पास ये स्कीम है कि हमारे सदर थाने के सामने MCD की बहुत बड़ी पार्किंग है जिसमें 2000 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती है। अगर मुझे पार्टी ने मौका दिया, विधायक बनाया, तो मैं 500 रुपये महीने में वहाँ पार्किंग उनको अवेलेबल कराऊँगा और अपने क्षेत्र को पार्किंग की समस्या से जो जूझ रही है उसको दूर करूंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बातचीत कर रहे थे हमारे साथ दीपक जैन जी, जो कि विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार हैं सदर बाजार से। शुभम गुप्ता, ANA दिल्ली।